हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम प्रेजेंट चाइल्ड डेवलपमेंट के मोस्ट लेकर के मैं आज प्रेजेंट हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें कि आज के जो है मोस्ट मैं क्वेश्चन 100 लेकर के आया हूँ। जितना कवर हो जाएगा उतना कवर करेंगे, इसके बाद बचेंगे क्वेश्चन तो सेकेंड वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो जीन प्याजे ने दिया। हमारा सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो गोल मैन ने दिया। थर्ड क्वेश्चन हमारा बन रहा है यहाँ पे कि बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? आई जेंक ने दिया। नेक्स्ट है हमारा फोर का क्वेश्चन, बुद्धि का पदानुकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो फिलिप वर्नन ने दिया। नेक्स्ट है बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा जेपी गिलफोर्ड ने दिया। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रिबिंदु सिद्धांत किसने दिया? तो स्टैन वर्ग ने दिया। और इसमें इन्होंने बुद्धि को तीन भागों में डिवाइड किया, विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारवारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे इसमें हमारे सेवन प्रश्न बनेंगे कि जीन प्याजे के अनुसार बुद्धि क्या है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता होगा यहाँ पे जीन प्याजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के अनुसार, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बुद्धि जो है वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा एट प्रश्न बन रहा है कि अल्फर्ड बीने के अकॉर्डिंग बुद्धि के प्रकार बताइए। तो अल्फर्ड बीने ने बुद्धि के फोर टाइप्स दिया था यहाँ पे, ज्ञान, अविष्कार, निर्देश, आलोचना। नेक्स्ट हमारे प्रश्न बन रहे हैं कि टर्मन के अकॉर्डिंग बुद्धि की क्या डिफिनेशन है? तो टर्मन की फेमस डेफिनेशन है यहाँ पर कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यहाँ पे गाइस हम यहाँ पे वही मोस्ट एमसीक्यू रखे हुए हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो हमारे अदर एग्जाम में जैसे यूपी टेट, सी टेट हुआ, पूछ चुके हैं और कुछ नहीं पूछे हैं और पूछने की भी संभावना बन रही है, तो बहुत ही मोस्ट है ये सारे प्रश्न। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की क्या डेफिनेशन है। तो वुडवर्थ के बुद्धि की डेफिनेशन यहाँ पे है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। नेक्स्ट हमारा 11 प्रश्न बन रहा है कि यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। तो स्टैन ने दिया हुआ है, आई होप कि सभी लोग को पता होगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे वंकिमहंग के अकॉर्डिंग जो है इंटेलिजेंट की डेफिनेशन है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर बैचलर के अकॉर्डिंग बुद्धि की क्या परिभाषा है। तो बैचलर के अकॉर्डिंग फेमस डेफिनेशन है कि बुद्धि किसी कार्य को करने की तार्किक चिंतन करने की वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। नेक्स्ट हमारे प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे गाइस कि स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग बुद्धि की क्या डेफिनेशन है। स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। नेक्स्ट हमारा 15 बन रहे हैं कि सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो सामान्यतः बुद्धि तीन प्रकार की होती है स्टूडेंट्स यहाँ पे, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि एंड सामाजिक बुद्धि। आपको कहीं कहीं बुक में मिल जाएंगे, लुसेंट की बुक जैसे देखेंगे उसमें तो आप थांडाइक के अकॉर्डिंग बुद्धि के थ्री टाइप्स हैं, थांडाइक ने ही दिए हैं तीन प्रकार के बुद्धि। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, हमारा 16 का क्वेश्चन है अमूर्त बुद्धि सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है। तो अमूर्त बुद्धि सामान्यतः स्टूडेंट जो है इन लोगों में पाई जाती है, शिक्षक, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक एवं आदि व्यक्तियों में पाई जाती है।
नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 18 का बनेगा कि मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? तो मूर्त बुद्धि निम्न में व्यक्तियों में पाई जाती है, जैसे मूर्त बुद्धि इंजीनियर, फॉरमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियंस, जैसा कि हम आपको डिटेल्स यहाँ पे बता दिए। और अमूर्त बुद्धि में शिक्षक बताएं, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक आएंगे। आई होप कि दोनों क्लियर हो गया होगा। अब सामाजिक बुद्धि में कौन आएगा, तो इसको देखेंगे। सामाजिक बुद्धि में भी निम्न लोग आते हैं, जैसे कि समाज सेवक, बीमा का एजेंट और नेता जी लोग आते हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक कारक का सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। अब बुद्धि के एक कारक सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत को किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। और नेक्स्ट है इसमें कि स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पीयरमैन जो है फ्रांस के निवासी थे। तो स्टूडेंट गाइस, थोड़ा सा हम इसको स्पीड में क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं, जो कि ताकि हम और सारे जल्दी क्वेश्चन कवर कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं 24 का, स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के स्टैटिस के प्रोफेसर थे, बाद में वो साइकोलॉजिकल प्रोफेसर बने। नेक्स्ट हमारा है, स्पीयरमैन ने इंटेलिजेंट का संबंध किससे बताया? स्पीयरमैन ने इंटेलिजेंट का जो है रिलेशन थिंकिंग से बताया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पर, प्याजे के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त कल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है, तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट हमारा 27 है, बच्चों में बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसने किया? तो प्याजे के द्वारा किया गया। आई होप कि सभी गाइस को ये पता होगा कि ये चार अवस्थाएं कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम बता रहे हैं कि फर्स्ट हमारा है संवेदी पेशी अवस्था, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे सेंसरी मोटर पीरियड्स बोलेंगे, पर ऑपरेशनल पीरियड्स, कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड, औपचारिक ऑपरेशनल पीरियड्स। आई होप कि अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे 29 बन रहे हैं कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। संवेदी पेशी में वह जो है मूर्त रूप से चिंतन, तार्किक रूप से चिंतन नहीं कर सकता, और इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो अंदर वस्तु अस्थायित्व भी आ जाता है। नेक्स्ट हमारा 30 क्वेश्चन बन रहा है कि किस अवस्था में बच्चे अपने जो है समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट हमारा है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न बन रहा है कि प्याजे के जो है अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक जो है तत्व नहीं है, तो सामाजिक संचरण। नेक्स्ट है, बालकों की जो है सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त
अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। तो यह अवस्था कौन सा है? तो 7 से 12 इयर्स तक की है। संवेदी पेशी अवस्था होती है तो 0 से लेकर के 24 माह तक की होती है, तो 0 से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट हमारा है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, और वह विकास की कौन सी अवस्था है? तो किसे ये जो प्रॉब्लम ऐसी होती है किशोरावस्था में होती है। नेक्स्ट हमारा है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। नेक्स्ट है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, 100 वर्ड्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। मैकडूगल के अकॉर्डिंग मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा कौन संवेग से है? आश्चर्य के संवेग से होता है। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, चिंतन थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट है कि किस विद्यार्थी कह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो आज्ञाकारिता। नेक्स्ट है मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक से सर्वतिक है कि विकास का अर्थ अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट है कि किस स्तर के बच्चे जो है बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो किशोरा अवस्था के बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विकास शुरू होती है तो प्रसव पूर्व अवस्था में ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है बहु विधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है, तो संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अकॉर्डिंग वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। नेक्स्ट है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है तो नैतिक तर्कणा। नेक्स्ट है हमारा कि एक व्यक्ति अपने समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को हम सहायता की आवश्यकता है हमें, तो उसे भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारा और ये लास्ट भी प्रश्न बन रहा है, इसके आगे का प्रश्न हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये समाजीकरण में भी सहायता करती है, तो समाजीकरण इसमें हो जाएगा करेक्ट। तो आई होप कि अंडरस्टूड। मैं यहीं से अलविदा लेना चाहती हूँ। प्लीज़ स्टूडेंट, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल पर इसी तरह से अच्छे अच्छे मोस्ट एमसीक्यू चाहते हैं या डिटेल्स चाहते हैं थ्योरी की भी वीडियो मैं बनाऊंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे छोटी सी बेल दिखाएगी घंटी उसे भी प्रेस करिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ और नई नई वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए। तो अलविदा मैं लेती हूँ यहीं से।